वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक इज टॉक विद गौतम में। आज हम बात करने वाले हैं 2018 की एक मलयालम मूवी के बारे में, जो कि दरअसल मैंने 3 दिन पहले ही टीवी पर देखी थी। मूवी का नाम है आदि। स्टार कास्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं प्रणब मोहनलाल, इसके अलावा नेगेटिव कैरेक्टर निभाते हुए आपको दिखाई देते हैं जगपति बाबू। प्रणब मोहनलाल को अगर आप लोग नहीं जानते तो भैया साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार मोहनलाल जी के ही लड़के हैं प्रणब मोहनलाल। गेस्ट अपीयरेंस में आपको मोहनलाल और जीतू जोसफ दोनों देखने को मिलते हैं। जीतू जोसफ जो कि इससे पहले दृश्यम और दृश्यम 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने देखी है साउथ वाली दृश्यम, तो दोनों ही बहुत जबरदस्त मूवीज थी उनकी। उस मूवी के ऊपर ही बॉलीवुड में रीमेक बनाया गया था जिसमें अजय देवगन आपको देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं कि यार ये मूवी कैसी है। तो जो उम्मीद थी मुझे इस मूवी से, वैसा मुझे इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। काफी निराश हुआ हूं मैं इस मूवी से। बाकी कम शब्दों में अगर बात की जाए तो आप इसे एक ठीक ठाक मूवी ही कंसिडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मूवी का क्लाइमैक्स जरूर अच्छा बन पड़ा है। बाकी पूरी मूवी के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हो स्क्रीन पर। काफी बोरिंग भी महसूस करा मैंने इस मूवी को देखते समय, बीच बीच में काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती है ये मूवी। और जो एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं इस मूवी के, वो देख के तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो जो कैमरा उस समय चल रहा था, जो एंगल्स उन्होंने लिए थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। हाँ, ये जरूर है इन लोगों ने एक नया गेम आप लोगों के सामने रख दिया है, पार्क ओवर। बहुत कम लोग इस गेम के बारे में जानते हैं, नहीं जानते अगर आप लोग भी तो गूगल कर सकते हैं। बाकी पार्क ओवर नाम के गेम को इस मूवी में काफी ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया है। उसे और अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था अगर इस मूवी का कैमरा वर्क काफी ठीक होता तो। अब बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। प्रणब मोहनलाल निभा रहे हैं इसमें आदित्य का कैरेक्टर, जो कि पार्कोवर का एक प्लेयर है। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है। उसके माँ बाप भी उसको काफ़ी फ्रीडम दे देते हैं। एक दिन वो अपने पिता के कहने पर उनके दोस्त को लेने के लिए चला जाता है बेंगलुरु। वहाँ उसके साथ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो जाती हैं कि उसके रहते हुए एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और पूरा इल्जाम आ जाता है आदित्य के ऊपर। और वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई होती है वो होता है नारायण रेड्डी का बेटा, इकलौता बेटा। और नारायण रेड्डी हैं जगपति बाबू। जगपति बाबू ने ये कैरेक्टर निभाया है, बहुत ही अच्छे लगे हैं वो अपने लुक में, अपने अंदाज में। उन्होंने जितने भी डायलॉग्स बोले हैं बहुत अच्छे लगे हैं। ज़्यादा बड़ा उनका रोल नहीं है लेकिन विलेन के रूप में वो बहुत ज़्यादा प्रभावी। बात कर लेते हैं मूवी की। तो यार मूवी फिर स्लो मोशन में आगे बढ़ती रहती है। बीच में हल्का सा आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि आदित्य की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। सारा इल्जाम उसी पर आ जाता है, उसे वो शहर में दर बदर भटकना पड़ता है, वो कहीं नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये मूवी आगे बढ़ती रहती है, उसको मारने की काफी कोशिशें की जाती है लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। फिर आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स, जो कि इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। इस पूरी मूवी में सबसे अच्छी चीज मुझे कुछ लगी तो वो है इस मूवी का क्लाइमैक्स। 15-20 मिनट जो आप अंत में देखेंगे वही इस मूवी का याद रखने लायक है। अदरवाइज इस मूवी में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत स्लो पेस में ये मूवी आगे बढ़ती रहती है। एंटरटेनमेंट ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। रेटिंग की बात करें तो मैं देना चाहूंगा इसे 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2 अंक। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर नहीं देखी तो ये अच्छी बात है आप लोगों ने नहीं देखी। अगर आप प्रणब मोहनलाल के बहुत बड़े फैन नहीं है तो इस मूवी को अवॉइड किया जा सकता है। खास कुछ भी इस मूवी में देखने लायक नहीं है, इसकी जगह कुछ और दूसरी मूवीज को देखा जा सकता है। ये था हमारा इस मूवी के लिए रिव्यू। डबिंग इस मूवी की ठीक ठाक है, डबिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बाकी जो लोग एक्शन लवर्स हैं उनको भी ये मूवी निराश ही करने वाली है। बाकी जो लोग पार्क ओवर गेम के बारे में नहीं जानते वो एक बार इस मूवी को देख सकते हैं, अदरवाइज गूगल कर लें तो गूगल पर जो भी वीडियोस हैं उनको देख करके आप ज्यादा एंटरटेनिंग फील करेंगे। तो इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।